hello my dear students today we will discuss about the traditional and modern fishing craft myself dr adharati we will discuss about the fishing craft in this lecture what are the fishing craft fishing craft are the object which provide platform for the fishing operations and carrying the crew and the fishing gears फिशिंग गियर्स क्या होते हैं द फिशिंग गियर आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर फिश कैचिंग फिश कैचिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं दोज आर नोन एज फिशिंग गियर्स द फिशिंग गियर्स एंड क्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूंट ए यूनिट कॉल्ड फिशिंग यूनिट इसको क्या बोलते हैं फिशिंग यूनिट बोलते हैं ठीक है थीके? तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में सबसे पहले ओवरव्यू इसके बारे में हम बात करते हैं क्या होता है फिशिंग क्राफ्ट आर एसेंशियल फॉर कैचिंग फिश इन लार्ज स्केल इन द वाटर बॉडीज ए वराइटी ऑफ क्राफ्ट हैव बीन डिजाइन फॉर दिस पर्पस इन इंडिया द फिशिंग क्राफ्ट ऑफ इंडिया फॉल अंडर टू जनरल कैटेगरीज वन इज मैकेनाइज्ड एंड अदर वन इज नॉन मैकेनाइज्ड बोट तो टू टाइप के ये होते हैं एक नॉन मैकेनाइज्ड और दूसरा होते हैं मैकेनाइज्ड बोट तो आगे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले डग आउट कनोई की हम बात करते हैं जो आउट कनोई होती हैं डगआउट कनोई जो है दीज आर कीललेस बोट फोम्ड फ्रॉम द होलो ट्री ट्रंक एंड द बॉटम ऑफ द बोट इज थिकर देन द साइड्स एंड दीज आर यूज इन केरला एंड कोंकण कोस्ट द लार्ज डग आउट ओडम एंड वांची आर द मेन फिशिंग क्राफ्ट ऑफ मालाबार कोस्ट ठीक है एंड द स्मॉलर डग आउट आर कार्ड थोनीज स्मॉल जो डगाउट कैनोई होती हैं दो आर नोन एज थोनीज एंड आर यूज फॉर ड्रिफ्ट फिशिंग किस लिए इस्तेमाल करते हैं इनको ड्रिफ्ट फिशिंग के लिए जो स्मॉल थोनीज होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है और ये एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि थोनीज क्या होती हैं दिज डनोज यूज फॉर फिशिंग within small distance from the shore it is a small sized canoe made by scooping logs of wood in the form of a boat in the Odoms, thonis wanchi etc of the southeast and southwest coast of india fall under this category in uh, calm weather oars be. इन अ फोर प्रोपलशन फोर बट इफ विंड एंड करंट प्रिवेल सेल में भी यूज तो इस तरह से डगआउट आउट के नॉइज जो है इस्तेमाल की जाती हैं फोर ट्रेवल इन द रोगर वाटर्स ऑफ द ओशन डगआउट कैन बी फिटेड विद आउट रीगर्स आउट रिगर स्कैनोई इस्तेमाल कर सकते हैं हम ओशन में वन और टू स्मॉलर लॉग्स आर माउंटेड पैरेलल टू द मेन हल बाय लॉन्ग पोल्स दिस आउट रिगर हेल्प टू बैलेंस द बोट बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट फ्रॉम वन साइड और द बोथ साइड ओके this is the image of dugout canoe you can see here this is outrigger canoe plank built boards what are the plank built boards these are boards made by stitching together planks of wood and these are also an enlarged variety of dugout canoe Made of planks on the side and largely used in Kerala and in most of the plank built boat at present the carvel type of boat is used. Masula boat these are known rigid boat constructed with planks shewn together with core ropes but without any frame so as to withstand the severe knocking of the surfs. these are made up to 9 meter in length although generally smaller and they are of various pattern like bar boat in odisha and padwa on the andhra coast masula boat is a frameless double ended keel less boat constructed from mango plants stitched together with palm leaf fibers and it is 10 to 12 meter long and they are maybe स्मॉलर लाइक नाइन मीटर ओके इसका एक वेरियंट है वेरियंट विद रिब्स इन साइड हैज बीन डेवलप्ड इन द एरिया बिटवीन काकीनंदा एंड माली प्लेटन सच टाइप ऑफ बोट लाइक दिस having ribs uh, these are the ribs gravel boats gravel boat built or carvel planking is a method of boat building where hull planks are fastened end to edge gaining support from the frame and forming ए स्मूथ सरफेस ओके धिंगी एंड नोका दीज आर कार्वेल बोर्ड्स ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बेंगोल ऑल्सो नॉन एस नौकास विच आर वेल डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड अप टू ए साइज ऑफ थर्टीन मीटर इंटू थ्री मीटर इंटू टू मीटर आर क्वाइट स्पेसियस काफी ज्यादा इनमें स्पेस होता है क्वाइट स्पेसियस एंड आर यूज फॉर ए वायटी ऑफ परपज इंक्लूडिंग फिशिंग ऑपरेशन ठीक है ढिगी एंड नोका दीज आर कार्बल बोर्ड ऑफ उड़ीसा ओके आई हैोट्स टूती कॉरन बोट्स जो है दीज आर ऑल्सो कार्ड द फिशिंग लग्गर्स टूती बोट को फिशिंग लग्गर्स भी बोलते हैं ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन फिशिंग लग्गर पे क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो फिशिंग लग्गर्स क्या होते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड तूती कॉरन बोट्स और कौन बोट्स आर आल्सो नोन एज फिशिंग लगर्स एंड दे आर कार्वेल बोट्स ऑफ इलेवन मीटर इंटू टू मीटर इंटू वन मीटर इनका ये साइज होता है विच आर सीवर्डी इन इंशोर वाटर्स दे आर यूज मोर एज मदरशिप एंड कार्गो बोट्स देन डायरेक्टली फॉर फिशिंग एफ़ आर पी बोट्स ये क्या होती हैं एफ आर पी ये जो हैं फाइबर की बनी हुई बोट होती हैं एंड द टर्म एफ आर पी इज जनरली एक्सेप्टेड टू मीन फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक ठीक है term, FRP, fiber तो ये फाइबर की बनी हुई बोट्स होती हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है फिशिंग के लिए

when the frp is hardened it is cast out as a solid strong hull different type of frp boats can be used boat can thus be built according to suitability by molding them as द नीड टू बी जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से एफ आर पी बोर्ड जो है वो बनाई जा सकती हैं एज द कस्टमर रिक्वायरमेंट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द मोल्ड यूज इज कार्ल द फीमेल मोल्ड विच इज द मिरर इमेज ऑफ द फिनिश्ड हल एंड द मोल्ड इज मेड फ्रॉम ए प्लग विच इज द एक्सट्रैक्ट हैंडक्राफ्टड रेप्लिका ऑफ द फाइनल हल वुडन प्लग और एफ आर पी वुडन प्लग जो है बनाए जाते हैं उसके बाद एफ आर पी मोल्ड उस पर डाला जाता है तो फाइनली जो है एफ आर पी हल तैयार हो जाता है एंड एफ आर पी क्या है फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक एंड दस इसके बाद क्या करते हैं इट कैन बी सेड दैट द फर्स्ट हल मेड फ्रॉम ए न्यू मॉल हैज बीन बिल्ड थ्री टाइम्स ठीक है तीन बार इसको करके बनाया जाता है एक सीरीज में इस तरह से इस टाइप की ये बोट होती हैं, ये एफ आर पी जो है फाइबर रेनफोर्स बोट दिस टाइप ऑफ बोट उनको अलग अलग शेप दे सकते हैं फाइबर्स को तो ये बहुत अच्छी टाइप की बोट जो है वो बनके तैयार हो जाती हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इसकी और क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं? सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं रिडक्शन ऑफ मेंटेनेंस इसमें क्या है मेंटेनेंस ज्यादा नहीं करनी पड़ती नो लीक ठीक है हल आर वन कॉन्टिन्यूस पीस ऑफ एफ आर पी पूरा का पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो कॉन्टीन्यूसली बनता है इसलिए लीक का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है विद नो ज्वाइंट्स और गैप टू अलाउ वाटर इन टू द हल तो इसलिए इसका ये फ़ायदा होता है कि उसमें पानी एंटर नहीं कर सकता बिकॉज एक ही बार में वो प्रिपेयर किया जाता है तो कहीं पे भी कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आती दैन नो प्लांक सरिंकेज वैन लेड अप और वुडन हल्स सफर फ्रॉम प्लांक सरिंकेज वैन ब्रोट आउट ऑफ द वाटर एंड लेड अप इन सन तो उनके क्रैक्स आ जाते हैं जो लकड़ी की बनी होती हैं जबकि फाइबर प्ला में ऐसा नहीं है एफ आर पी डज नॉट स्रिंक और स्वेल सो लीकेज एंड रिकास्टिंग आर अवॉइडेड ठीक है और क्या है इसका रोड प्रूफ एंड रेजिस्टेंट टू बोरस तो इस पे कोई भी किसी भी तरह के जो हैं इंसेक्ट बोरस नहीं लगते हैं एफ आर पी इज़ नॉन ऑर्गेनिक एंड विल नोट रोट रोटन नहीं होता है, ये ख़राब नहीं होती रस्टिंग नहीं होती इसकी एज ए प्लास्टिक इट कैन नॉट बी रिटर्न बाई मैराइन बोरर्स तो मेराइन बोरस भी जो हैं इसको खा नहीं सकते है. कोरोजन एंड इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस एफ आर पी जो है कोरोजन वगैरह इस पर नहीं लगता है ठीक है और ना इलेक्ट्रोलाइट का रिडक्शन होता है एफ आर पी इज इनर्ट ये जो है इनर्ट होता है तो इसलिए इस पर किसी भी तरह का कोरोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता एज ए प्लास्टिक इट विल नॉट कोरन आपको पता ही है प्लास्टिक जो है बेनिफिशियल भी होता है और हार्मफुल भी होता है इस तरह से अगर एफ का इस्तेमाल किया जाता है तो वो बेनिफिशियल भी होता है क्योंकि वो कोरजन नहीं लगता उस पर कोई रस्ट नहीं लगता ठीक है जबकि जो लकड़ी है वो वैसे टीक माइट्स या बोरर से ख़राब हो जाती है तो इसलिए ये अच्छी होती हैं इस तरह से देखा जाए तो सिंपलर कंस्ट्रक्शन इसकी कंस्ट्रक्शन करना बहुत ईजी है आराम से बनाई जाती हैं वन से मोल्ड इज मेड आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ हल कैन बी मेड मैनी टाइम्स तो इसका ये भी फायदा है कि एक से मल्टीपल कॉपी बनाई जा सकती हैं ओवर एंड ए शॉर्टर टाइम टाइम भी कम इस्तेमाल होता है कम टाइम में बहुत सारी कॉपियाँ इसकी तैयार की जा सकती हैं क्योंकि एक फ्रेम बना लिया उसकी बार बार कॉपी करते रहो तो उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खराब तो होंगे नहीं जबकि लकड़ी के फ्रेम बनाने में बहुत मेहनत लगती है देन रिडक्शन ऑफ स्किल लेवल रिक्वायर वन से बेसिक ट्रेनिंग इज रिसीव्ड तो ज़्यादा स्किल की भी जरूरत नहीं है एक बार फ्रेम बन गया तो उसके जैसा जो है बार बार तैयार किया जा सकता है डिसडवाटेजेस क्या हैं एडवाटेजेस हैं तो डिसएडवाटेजेस भी होंगी तो इसके नुकसान क्या हैं सबसे पहले इसकी बात करें तो टोटल डिपेंडेंस और इंपोर्टेड मटेरियल एंड फॉरेन करेंसी अवेलेबिलिटी चॉइस सेकेंड है चॉइस ऑफ वेसल फिक्स्ड वंस डिजाइन इज यूजन एंड मोल्ड मेड थर्ड वन मस्ट रिटेन कोर ग्रुप ऑफ क्वालिफाइड टेक्नीशियंस फायर एंड हेल्थ हेज फ्रॉम द केमिकल एंड लार्ज स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट तो ये सारे इसकी क्या है डिसडवाटेजेस भी हो सकती हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए होता है इसके लिए मोटर मोटराइज क्राफ्ट ये क्या होती हैं विद द एडवेंट ऑफ मेकेनाइज ऑफ द फिशिंग क्राफ्ट स्मॉल एंड मीडियम साइज बोट्स एंड आर कंस्ट्रक्टेड विद इंजन ऑपरेटेड बाई ओयल टू वू द डिस्टेंट फिशिंग ग्राउंड इनमें क्या होता है एडवेंट ऑफ मैकेिशिंग क्राफ्ट स्मॉल एंड मीडियम साइज बोट आर कंस्ट्रक्टेड विद इंजन ऑपरेटेड बाई ऑयल टू वेंचर इंटू द डिस्टेंट फिशिंग ग्राउंड दूर तक जाने के लिए क्या करते हैं कि मोटर लगा देते हैं उसमें ताकि ऐसे जो है किसी भी चलाने वाले की ज्यादा मेहनत ना लगे दीज मोटराइज क्राफ्ट आर लाइन बोट ट्रैप बोट डोल नेटर गिल नेटर एंड ट्रैवलर्स और इन पे इजीली जो है बहुत सारे नेट डाल के ले जाए जा सकते हैं दूसरा दू, बहुत दूर तक ले जाए जा सकते हैं ईजीली क्योंकि उनमें मोटर लगी हुई होती है इंजन लगा हुआ होता है तो उनको बोलते हैं मोटराइज